सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर आतंकी साये का खतरा है। जी हाँ, आतंकी साया है, जिस वजह से टीम इंडिया की जो सिक्योरिटी है न्यूयॉर्क में वो 3 गुना बढ़ा दी गई है। जी हाँ, 3 गुना ज्यादा सिक्योरिटी कर दी गई है, और क्योंकि थ्रेट्स मिल रहे हैं आतंकी हमले के, जो है धमकियां भी कहीं ना कहीं मिल रही है। और इसमें जो चीजें अपडेट निकल कर सामने आई है वो ये है कि पैट्रिक राइडर जो है ये पुलिस कमिश्नर है नसाउ काउंटी के। ये जो कमिश्नर है पैट्रिक राइडर, इन्होंने कहा है कि जहां पर मुकाबला होना है वहां पर थ्रेट्स हैं, और वहां पर सेफ्टी को, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाए जा रहे हैं यहां पर। इसके अलावा एक वीडियो जो है वो ग्लोबली काफी ज्यादा वायरल हो रही है, लोन वोल्फ नाम का जो एक टेरर ग्रुप है उसने यहां पर कुछ बयान दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके की धमकियां मिलती हैं तो इस तरीके की सिक्योरिटी जो है वो करनी पड़ती है। राइडर ने आगे समझाया कि ये जो अप्रैल से ही, मतलब पिछले महीने से ही यहां पर जो थ्रेट्स मिल रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, या पहले कह रहे थे ओवरऑल वर्ल्ड कप को लेकर थ्रेट्स मिल रहे थे, लेकिन अब स्पेसिफिक हो गया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर ये थ्रेट्स जो मिल रहे हैं इसकी वजह से सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, और चिंता की कोई बात नहीं है। जो सिक्योरिटी है वहां पर, जो पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया, सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई है, 3 गुना टीम इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा भी दिया गया है।